आप अपने विभाग का काम करिए, आगे बढ़िए, आप हीरो बनिए, हमारा पूरा सहयोग। 96 लाख करोड़ रुपए का घोटाले की बात कर रहे हैं पप्पू यादव, उनका साफ तौर पर कहना है नीतीश कुमार से कि आपके शासन काल में पीडब्ल्यूडी अधिकारी कौन कौन रहे, सिक्योरिटी कौन कौन रहे हैं, तमाम लोगों को लेकर पप्पू यादव सवाल खड़े करें। उनको साफ तौर पर कहना है लगभग सभी लोग भ्रष्ट थे और सभी का कॉल डिटेल्स जो है और तमाम चीजों का प्रॉपर्टी का जांच करना चाहिए। सुनिए पप्पू यादव क्या कुछ बोल रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। विभाग के घटना पर होगी, जैसे 96 लाख हजार करोड़ रुपया बिहार में पीडब्ल्यूडी के घोटाले का सीएजी ने एक रिपोर्ट लाया। अब वो रिपोर्ट आया है तो मैं सदन में भी उठाऊंगा, चिट्ठी भी लिखूंगा और 20 सालों से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन कौन थे या पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी कौन कौन थे या पूल निगम में कौन कौन सेक्रेटरी थे, आरडब्ल्यूडी में कौन कौन थे, बिल्डिंग में कौन कौन थे, जब ये सवाल आएगा और सीएजी की रिपोर्ट आएगी बिहार के जनता का पैसा लूट का, तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है। हम एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं तो हम तो अपनी बात रखेंगे ना, हम इसमें ना तो किसी व्यक्तिगत बात करते हैं, हम जो मंत्री होंगे निश्चित उसकी जांच होनी चाहिए। पूर्णिया में कोई घटना घटती या बिहार में लगातार बैंक डकैती हो रही, तो आपने सुना पप्पू यादव किस प्रकार से नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं। उनके साफ तौर पर कहने का अपने 20 साल में जिस अधिकारियों को रखा है उनके शासन काल में कौन कौन से सेक्रेटरी रहे, तमाम लोगों की जांच होनी चाहिए क्योंकि 96 लाख हजार करोड़ की बात है, लगभग जितना पैसा जो है वो आपके शासन काल में घोटाला हुआ है। तमाम चीजों पर नीतीश कुमार को संज्ञान में लेते हुए पप्पू यादव अपनी बातों को रख रहे थे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को